करवा चौथ के ठीक चार दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रवती महिलाएं करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इस एक व्रत से आप अपनी संतान के जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं। फिर चाहे संतान की शिक्षा में समस्या हो या पारिवारिक जीवन में, मातृत्व के वरदान से इस व्रत से कैसे दूर करें अपनी संतान के जीवन से जुड़ी समस्याएं, देखिए। संतान का रक्षा कवच है अहोई अष्टमी का व्रत। संतान पर आने वाले संकट की काट है अहोई अष्टमी का व्रत। कहते हैं इस दिन विधि विधान से माता पार्वती की उपासना करने से संतान के जीवन पर मंडराने वाले संकट के बादल छंट जाते हैं। संतान चिरंजीवी होती है, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है, क्योंकि इस महाव्रत से न सिर्फ संतान की प्राणों की रक्षा होती है बल्कि वो संस्कारी भी होती है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी पर कुछ खास प्रयोग करने से संतान से जुड़े सभी दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। अहोई अष्टमी की कथा होती है जो कि वो माताएं बहनें सुनती हैं। सुनने के बाद फिर उसका जो कलश में जल होता है वो अर्घ स्वरूप जब सूर्यास्त के बाद किया जाता है और तारा उग जाते हैं तो तारे को वो छत में जाकर के बालकनी में जाकर के वो अर्घ दिया जाता है और उसमें तारे से प्रार्थना की जाती है कि हम अहोष्टी व्रत का पूजन किए हैं और ये अर्घ हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आप हमारी मनोकामना की पूर्ति करें। अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई से सुख समृद्धि मांगी जाती है। अहोई अष्टमी पर संतान की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के भी कुछ उपाय होते हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत में किए जाने वाले कुछ खास प्रयोग। सबसे पहले आपको बताते हैं संतान की शिक्षा, करियर, रोजगार में बाधाएं आ रही हैं तो क्या प्रयोग किए जाने चाहिए। व्रत करिए, अहोई अष्टमी की पूजा करिए और पूजन के बाद उसमें बैना वगैरह निकालते हैं, 8 जगह पूड़ी हलवा भोग लगता है और उस भोग को सभी को अपने बेटे को अपने बगल में बैठाएं, बेटे से भी पूजन कराएं, अहोई माता के सामने उनको स्थापित करें, स्थापित करने के बाद उनकी पूजन और व्रत करें और उनसे माने कि ये हमारी हमारा पुत्र दीर्घायु हो। अहोई माता को पूजन के दौरान दूध चावल और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें। संतान को अपने हाथों से दूध चावल खिलाएं, फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दे दें और फूल को सुरक्षित रखने को कहें। यह प्रयोग संतान की करियर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए रामबाण होता है। संतान की शिक्षा रोजगार ठीक हो मगर उसका पारिवारिक जीवन ठीक न चल रहा हो तब क्या करें? परेशान मत होइए, ज्योतिषाचार्य इसके लिए भी एक खास प्रयोग बताते हैं जिनको करने से संतान से जुड़ी वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान की सफलता के लिए तो देखिए हमारे हिंदू शास्त्र में सनातन धर्म में अनेक व्रत पूजन किए गए हैं, अनेक जप किए गए हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए, उसकी आयु के लिए,
अनेक प्रकार के व्रत करती रहती है। उसमें से एक गणेश चौथ का भी व्रत रहता है, एक जूतिया का व्रत होता है, उसी प्रकार एक अहोई अष्टमी का व्रत होता है। तो ये पुत्र की उन्नति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चेन अर्पित करें। माँ पार्वती के मंत्र ओम ह्रीं उमाय नमः 108 बार जाप करें। संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहनाएं। उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। कई बार संतान की सेहत भी उसकी प्रगति में बाधा का कारण बन जाती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि संतान के अच्छी सेहत से जुड़ा ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताया ये खास प्रयोग। सबसे बड़ा महाप्रयोग ये होता है कि आप 7 स्थानों पर बैना निकालें और अपने पुत्र की सभी प्रकार की उन्नति के निमित्त उसमें पूड़ी, हलवा, गुलगुला और चावल की पिन्नी बोला जाता है, वो जो भोग लगाया जाता है, वो 7 चीज़ें उसको अलग बैना में रखें। उसके साथ साथ साड़ी, ब्लाउज और 4-4 पूड़ियाँ रखें और उनको जो है अपनी माता को, बहन को, बुआ को, भतीजी को उसकी प्रयोग के रूप में उसको दान करें, जिससे उसका फल प्राप्त होता है, वही उसका महाप्रयोग माना जाता है। ओम नमः शिवाय या ओम जूह सह का 11 बार जाप करें। मानसिक जाप भी कर सकते हैं। माता अहोई को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, दीपक जलाएं, धूप दीप नवेद्य अर्पित कर ऋतु फल का भोग लगाएं, क्रोध करने से बचें, प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत खोलें। तो ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए अहोई अष्टमी के दिन ये खास प्रयोग किया जाए तो लाभ होता है। संतान के मंगल कामना के लिए महिलाएं इन विशेष उपायों को आज कर सकती हैं। अगर संतान को संतान नहीं हो रहा है, संतान ही संतान विहीन है, तब भी माता अहोई से आज मांग लीजिए अपनी संतान के लिए वरदान।